आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो आइए आज हम जानेंगे आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। भजन संहिता 136। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है। उसने अपनी बुद्धि से आकाश और पृथ्वी को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया है, उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़ी बड़ी ज्योतियाँ बनाई, उसकी करुणा सदा की है। दिन पर प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। और रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा और तारागढ़ को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने मिस्रियों के पहलौठों को मारा, उसकी करुणा सदा की है। और उनके बीच से इज़राइलियों को निकाला, उसकी करुणा सदा की है। बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा को निकाल लाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने लाल समुंदर को खंड खंड कर दिया, उसकी करुणा सदा की है। और इज़राइल को उसके बीच से पार कर दिया, उसकी करुणा सदा की है। और फिरौन को सेना समेत लाल समुद्र में डाल दिया, उसकी करुणा सदा की है। वह अपनी प्रजा को जंगल में ले चला, उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़े बड़े राजा मारे, उसकी करुणा सदा की है। उसने प्रतापी राजाओं को भी मारा, उसकी करुणा सदा की है। एमोरियों के राजा सिहोन को, उसकी करुणा सदा की है। और बसान के राजा ओग को घात किया, उसकी करुणा सदा की है। और उनके देश को भाग होने के लिए, उसकी करुणा सदा की है। अपने दास इसराइलियों के भाग होने के लिए दे दिया, उसकी करुणा सदा की है। उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली, उसकी करुणा सदा की है। और हमको द्रोहियों से छुड़ाया है, उसकी करुणा सदा की है। वह सब प्राणियों को आहार देता है, उसकी करुणा सदा की है। स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर इस वचन से आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमेन।